नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अरिंदम जहां शेख। बुरी की शुरुआत कर लेते बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी का चुनावी राजनीतिक मंथन लगातार जारी है। बीजेपी के संगठनात्मक बैठक के आज बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित होगी ये बैठक। 11 बजे समस्त प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें 7 संयोजक जिला संयोजक भी इस पूरी बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे समस्त विधानसभा संयोजकों की ये बैठक होगी। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे बैठक में मौजूद होंगे और पार्टी आगे की रणनीति पर काम करेगी। तो सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम दिग्गज जो है इस पूरे बैठक में मौजूद रहेंगे और आगे पार्टी किस रणनीति पर काम करेगी इसको लेकर मंथन किया जाएगा। तो भाजपा का चुनावी रणनीति जो है वो लगातार जारी है। बीजेपी की संगठनात्मक ये बैठक बुलाई गई है, बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर बीजेपी लगातार आक्रामक मोड में है, एक्शन मोड में है। बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी आने वाले समय में चुनाव और चुनाव के लिहाज से। इस पूरे बैठक में एक खाका तैयार किया जाएगा, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ तमाम दिग्गज जो इस पूरे बैठक में मौजूद रहेंगे, किस तरीके से आगे पार्टी को काम करना है, किस तरीके से अपनी तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर ये खास मीटिंग बुलाई गई है। तो बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होगी जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। दोपहर 2 बजे समस्त विधानसभा संयोजकों की यह बैठक है। इसी बीच हमारे साथ सहयोगी ब्रिजेश जुड़ चुके हैं। बीजेपी यहाँ पर चुनाव है ब्रिजेश, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है, ऐसे में आज की ये बैठक कई मायनों में खास हो जाती है ब्रिजेश। बिल्कुल, देखिए काफी अहम बैठक है क्योंकि पहले ही मोर्चों की बैठक की थी, सामूहिक सभी मोर्चों की बैठकें की गई थी पिछले हफ्ते, और इस हफ्ते सभी प्रकोष्ठों, जो 11 प्रकोष्ठ हैं अलग अलग बीजेपी के, उन तमाम प्रकोष्ठों की सामूहिक बैठक होगी। एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा, एक बड़ी योजना चुनाव की बनाई जाएगी, किस तरह राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा जनता को दिलाया जाए अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके फॉर्म भरवा कर और प्रचार कर और जनता के बीच किस तरह माहौल बनाया जाए, इन तमाम बातों को लेकर अगले 6 महीने का कार्यक्रम यहाँ प्रकोष्ठों का डिसाइड होने वाला है। आज बड़ी बैठक प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। 3 सत्र में ये बैठक होगी, पहले सामूहिक, फिर अलग अलग और उसके बाद कोर कमेटी की बैठक होगी। जी बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी को अक्सर उसके प्री प्लानिंग को लेकर जाना जाता है, और यही कारण है कि लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। और जाहिर है कि इस पूरे बैठक में आगे पार्टी किस रणनीति पर काम करेगी, किस तरह के रोड मैप को अपनाया जाएगा, उस पर मंथन किया जाएगा ब्रिजेश। बिल्कुल, देखिए आगे 6 महीने की रणनीति ग्राउंड के लिए बनाई जा रही है। ग्राउंड पर अभी देखिए, कल ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन है और उसको लेकर अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठों को टारगेट दिए गए हैं। महिला मोर्चा खासतौर से पौधारोपण करता हुआ हर खंड में नजर आएगा, तो बड़े स्तर पर अलग अलग आयोजन है। बूथ विस्तार पार्ट 2 योजना शुरू होने वाली है, आजीवन सदस्यता निधि और स्वेच्छा निधि शुरू होने वाली है, चुनाव के पहले बड़े स्तर पर चंदा इकट्ठा करने वाली है बीजेपी। तो तमाम ग्राउंड के कार्यक्रम बीजेपी के पास कई सारे हैं और ऐसे में उसे जरूरत है एक बड़ी टीम की, मजबूत टीम की और सशक्त कार्यकर्ताओं की और एक बढ़िया प्लानिंग की, और इसी प्लानिंग के लिए लगातार बैठकें बीजेपी में पिछले 15 दिनों से चल रही हैं। जिला अध्यक्षों की बैठक हुई, मोर्चों की बैठक हुई और आज प्रकोष्ठों की बैठक है। बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। जाहिर है कि इन तमाम बैठकों से ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है ब्रिजेश। बिल्कुल, देखिए पूरी तैयारी में है बीजेपी और चुनावी मोड में आ चुकी है। यही वजह है कि सरकार ने जहां विकास यात्राएं निकाली, वहीं बीजेपी बूथ विस्तारक पार्ट 2 योजना चलाने की तैयारी में है। जल्द ही इस योजना की शुरुआत तमाम बूथों पर हो सकती है, जिसमें जो वोट प्रतिशत है वो 10% बढ़ाकर 41 से 51% करने का लक्ष्य है और इसके लिए तमाम कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार चिंतन मंथन करके उससे जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उसको योजनाओं के रूप में बीजेपी बना रही है, और अगले महीने से होली के बाद लगभग 15 मार्च से बीजेपी इन तमाम योजनाओं को लेकर ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा पहुंचेगी। बिल्कुल ब्रिजेश, और ऐसे में आक्रामक मोड पर है बीजेपी। ब्रिजेश बने रहिएगा और भी खबरों पर जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जो कि छत्तीसगढ़ से है।